हेलो फ्रेंड, तो आज की हमारी रेसिपी है आलू भुना मसाला। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून भुना जीरा पाउडर और स्वादानुसार नमक ऐड किया। 1 कटोरी दही ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और 10 मिनट के लिए हम रेस्ट होने के लिए ढक कर के रख देंगे। 1 कढ़ाई में हम थोड़ा सा मक्खन डालेंगे, उसमें हम मक्खन मेल्ट होने पर हम इसमें प्याज और शिमला मिर्च को डाल देंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ आलूओं को उबाल लिया और उन्हें बड़े टुकड़ों में काट लिया। इन्हें भी हम अच्छे से सब्जियों के साथ फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो जाने के बाद हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और 1 कढ़ाई गरम करेंगे। उसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और 1/2 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे और जीरा चटकने के बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इन्हें हम तब तक तेल में फ्राई करेंगे जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए। तो यकीन मानिए गाइस, ये सब्ज़ी बहुत ही यम्मी और टेस्टी बन करके तैयार हुई थी, तो आप इसे एक बारी ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, इन्हें भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हमने जो मसाले तैयार किए थे वो इसमें डाल देंगे, पेस्ट डाल देंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। चलाते हुए इसे 1 उबाल आने तक के हम इसे फ्राई करेंगे। हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्योरी डालेंगे और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे ढक कर के पकाएंगे जब तक हमारे मसाले अच्छे से फ्राई ना हो जाए, जब तक उनमें से तेल अलग ना हो जाए। तो देखिए गाइज, हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे क्रश करके। कसूरी मेथी डालने से सब्ज़ी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक करके पकाएंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएं। अब हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं, उसमें से तेल भी अलग हो गया है। अब हमने जो सब्जियां फ्राई करी थी उसे भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और केवल हम इसे आधे घंटे के लिए या फिर 15 मिनट के लिए सिर्फ ढक करके पकाएंगे। या थोड़ा सा पानी, आप अपने ग्रेवी के अनुसार इसमें पानी ऐड करें और ढक करके सिर्फ 10 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। अब हमारी सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी है। इसमें 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और फ्रेश धनिया डाल करके मिक्स कर देंगे। तो हमारी सब्ज़ी का कलर देखिए कितना प्यारा आया है और कितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है देखने से ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर